हेलो दोस्तों दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मोहिउद्दीन, और हम ट्रेस कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अभी इटसेट बूटी को। तो अभी मैं इस जगह पे आया हूं, यहां पर थी पहले बहुत ज़्यादा, तो अभी तो उसका कुछ भी नहीं मिल सका। तो पिछली वीडियो में मैंने एक शेर लिखा था, ये बेसिकली वारिशाह का एक बुक है, बड़ी फेमस पंजाबी पोइट्री की, शायरी की। उसमें हिकमत का भी और कीमियागरी का भी और इस तरह की चीज़ों का भी बहुत डिस्कशन मिलती है। तो उसमें कहा गया था कि वो इसमें शेर था कि 68 बूटियाँ, और सॉरी वो पंजाबी का ही शेर था, 68 पखड़ा कुआर गंदल, 80 बूटियाँ होर भी जानने हैं। तो ये बड़ा, कोई किसी को कुछ आता हो या ना आता हो, तो ये शेर वो लाजमी सुनाया करता था, तो इसलिए वो मैंने भी कर दिया उसमें ऐड। ये मेरा बड़ा फेवरेट शेर था, क्योंकि अमूमन किसी आदमी को अगर किसी चीज़ का जड़ी बूटी का भी ना भी इतना पता हो, तो वो ऐसे ही शेखी बखेरने के लिए, वो मलंग टाइप लोग, तो वो दूसरों को बोल देते हैं जी के 8 सेट पकड़ा कुआर गंदल, सी और भी बूटियाँ जानते हैं, यानी कि और जड़ी बूटियों का भी हमको पता है, और ये 4 बूटियाँ तो लाजमी गिनवाते हैं ना वो। तो ये बात है, ठीक है जी। तो ये अभी उसको ट्रेस कर रहे थे हमने, इधर दोनों तरफ छाना है, इसको खंगाला है। इधर पहले थी वो जड़ी बूटी, लेकिन अब इस कब्रिस्तान में वो नहीं है, ग्रेवयार्ड में, ठीक है जी। तो ये मैंने शेर सुनाना मकसूद था, मेरा बड़ा फेवरेट है वैसे, मेरे सॉरी जुकाम थोड़ा सा हुआ, तो मेरा बड़ा फेवरेट शेरों में से था ये चूँकि वारिशाह ख़ुद भी सन्यासी जोगी हुए हैं, सरकार वो बड़े मतलब बुजुर्ग हुए हैं, और उनके कलाम से बहुत ज़्यादा कीमियागरी का भी तस्करा मिलता है, सोना बनाने का भी, और तांबा कुश्ते का भी, पारे का भी, और पता नहीं क्या कुछ, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है उन्होंने लिखने वाली, उसमें बेशुमार अच्छी चीज़ें। तो वो था, तो उसमें ये, लेकिन ज़रूर हर बंदा शेर बोलता है, मलंग कोई भी हो, कुछ सन्यासी जोगी जो बना हो खुद साहता, वो ऐसे भी होते हैं, कुछ होते नहीं है, लेकिन उन्होंने भेस बनाया होता है, रूप बदला होता है अपना, सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए और पैसे मांगने के लिए, बटोरने के लिए। तो वो बोलते हैं अमूमन ये शेर ना, कि 8 सेट पखड़ा कुआर गंदल, 80 बूटियां होर भी जानने हैं। तो ये इस तरह का, ये बड़ा मेरे फेवरेट शेर था। तो अमूमन जो किसी को कुछ भी ना आता हो आमतौर पर, तो वो बड़ा फ़ख्र से वो फ़ौरन ये शेर ही सुनाता है हर किसी को, तो लेकिन फिर भी ये शेर भी अच्छा है माशाल्लाह। तो ये था उसका शेर। तो अब हम चलते हैं उसकी तरफ 8 सेट को ढूंढने, तो 8 सेट देखते हैं कहाँ पे है, बड़ी 8 सेट बेस खपरा जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब उसका कोई भी पौधा नज़र आया तो मैं उसको कर लूँगा जी रिकॉर्ड, आगे आप देखेंगे, ठीक है जी, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलाम मोहिउद्दीन मेरा नाम है, और आप मुझे कदीमी नुस्खे पे देख रहे हैं इधर मेरे ये इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे। तो ये आज मैं आपको एक जगह पे लेके आया हूँ, वैसे तो मुझे ज़ुकाम हुआ हुआ गर्मी की वजह से काफ़ी, या कुछ भी तो उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो आज मैं इस जगह पे आया हूँ, बड़ी ख़ास जगह पे, और बड़ा दोपहर का टाइम है, बहुत तेज़ धूप है, लेकिन फिर भी काफ़ी अरसे से मैं ढूंढ रहा था। अब ये ऐसी चीज़ें भी नायाब हो रही हैं, मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ कि हम लोग इस प्लेनेट के साथ क्या कर रहे हैं। खैर वो छोड़ें उसको, आइए उसकी तरफ चलते हैं। इस जड़ी बूटी का नाम है जी, इस जड़ी बूटी का नाम, हाँ, बिस खपरा, यानी कि बड़ी 8 सेट। तो ये कन्फ्यूजन भी, और ये जो कमेंट्स में जो कह रहे थे भाई साहब कि ये बिस खपरा और है और ये और है, हाँ जी, तो वो आज वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इसको बड़ी 8 सेट भी बोलते हैं, बिस्खपरा भी बोलते हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बड़ी अच्छी है, पेशाब वगैरह और इस तरह की चीज़ों में मुआवन साबित होती है, ठीक है जी। तो ये उसका पौधा है सामने नज़र आ रहा है बिस्खपरा का, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया तो, ठीक है जी। तो और अगर किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी हमारे अपडेट वगैरह आए आप उसको देख सकें, ठीक है जी। तो चलते हैं बिस्खपरा की तरफ। ये है जी, ये बूटी को कहते हैं जी बिस्खपरा, यानी कि बड़ी 8 सीट, ये वाले, ठीक है जी। ये इसके साथ फ्लावर लगे हुए हैं ये, और इस कलर के हैं, मैं आपको इसको साइड में दिखाता हूँ ताकि बेहतर कलर नज़र आ सके। ये और ये काफ़ी बड़ी इसकी ये होती है, स्टेम लॉन्ग होती है और ज़मीन पे बिछी हुई होती है, और आगे आगे चलती जाती है, जैसे ये रगें सी उसकी नज़र आ रही हो होती हैं, ये वाली सिर्फ फैली हुई ज़मीन पे।
और इसके पत्ते जो होते हैं ये काफ़ी, चूंकि पुराना पौधा है, पका हुआ है फुल, काफ़ी अरसे से यहाँ पे धूप में खड़ा हुआ है बेचारा, मौसम की मार खा रहा है। तो इसके पत्ते जो हैं वो थोड़े से शेप में चेंज हो चुके हैं उसकी, ये चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन उसका कोई, मैं दिखा देता हूँ आपको जो इसकी पहचान का है। हाँ जी, ये बेसिकली जो छोटे पत्ते होते हैं, मैंने तो फील किया है वो पान के पत्ते की तरह होते हैं। ये आप भी कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, ये देखें आप इस पत्ते को गौर से देख लें, अच्छा ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे कि वो कहेंगे कि हाँ ये वाकई ना पान के पत्ते जैसा, ठीक है। वो छोटे पत्तों की बात है, लेकिन बड़े जो होते हैं वो फिर इट सेट से मिलते जुलते हैं, तो फिर उसमें कोई डिफरेंस नहीं लगता फिर इट सेट में और इसमें, ठीक है। जैसा कि ये है, ये पत्ता है। खैर, ये तो इसकी पहचान है कि इसको ऐसे पहचानते हैं। इसकी ये स्टेम देखें, डंडी राख जो है बड़ी सुरख कलर की है, बड़ी हार्ड है, और इसका मैंने फूल आपको दिखाया था इस कलर में है, ठीक है जी। तो ये बड़ी इट सेट है, इसको क्या बोलते हैं, बिस्खपरा, हाँ हिंदी में इसको बिस्खपरा बोलते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि पेशाब वगैरह बड़ी उसमें मावन है, और इसके अलावा पथरी वगैरह को शिकन करने के लिए उसमें भी मावन है, और बेशुमार अमराज में इस्तेमाल हो सकती है। और तांबे का भी इसमें आता है कि इसमें कुश्ता हो जाता है जी, बड़ी एट सेट में, यानी कि बिस्खपरा में, ठीक है जी। ये भी हो गया, और उसके अलावा सेम वही तकरीबन एट सेट वाली खूबियाँ हैं, लेकिन ये बहुत बेटर वर्जन है, जिसको कहते हैं ना वो हर दफ़ा वर्जन न्यू आ जाता है किसी चीज़ का, तो ये बेटर वर्जन है उसकी, जैसी सेम टू सेम खूबियाँ हैं। मैंने बहुत तलाश किया इधर इतनी मतलब तेज़ धूप में, लेकिन वो नहीं मिल सकी और कोई पौधा इसका। फिलहाल एक मिला है बड़े भाग दौड़ के साथ, तो ये आपको दिखा रहे हैं हम। ये आप गौर से फिर देख लें, इसके पत्ते देख लें, ये बड़े पत्ते जो हैं वो इट्सीट जैसे ही होते हैं तकरीबन, लेकिन ये चूंकि बहुत पुराना हुआ है तो ये इसलिए मज़ीद थोड़ा सा चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया, लेकिन ये एक्चुअली वही बूटी है, बड़ी हेडसेट जिसको बोलते हैं, यानी कि बेसखपरा। तो इसको देखें और इन्जॉय करें, और हमारे चैनल को इसको पहचानें। आप भी सन्यासी जोगियों वाले काम खुद सीखें, बूटियों की शिनाख्त सीखें, ठीक है, आइडेंटिफाई इनको करना सीखें। तो ये है जी बेसखपरा, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इसमें मैंने जैसे कि हाँ कोई एक दो बात फिर और कर लेते हैं। इसमें तांबा कुश्ता होता है पहली बात, इसमें दूसरी बात ये मैंने बताई थी कि इसमें कलमी शोरा जो है वो कायम होता है, वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त इसमें बेहतर कायम होता है कीमियागरी के लिए, और फिर वही कलमी शोरा फिर उसमें सेंखिया कायम करके और वो दाबू बनता है, फिर वाके इसको लेके चलते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको। फिर इसके अलावा मैंने इसके बताए बताए हैं फ़वाद के, ये पेशाब लाता है डायूरेटिक का छोटा पेशाब, और गुर्दों वगैरह की सफाई के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और बाकी इसके सारे वही सेम पहले फ़वाद ही हैं, ठीक है। ये नाज़रीन आप देखें कि ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये एक कब्रिस्तान है बड़ा कदीम, और इस वक्त यहाँ पे तो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा हीटेड टेम्परेचर है, और एकदम खड़ा मार खड़ा होना भी मुश्किल हुआ है, और बहुत ये पुराने ज़माने का एक पुरसरार सा कब्रिस्तान है। तो इधर मैं आया था और मैंने इधर देखा था कभी, एक ज़माने में मैं घूमा करता था सिर्फ बूटियों के लिए, तो तब ये देखा था मैंने इधर पे, तो आज भी मिल गया है। अब इधर लाने का भी एक पौधा है सुरख, वो भी देखें, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त दें, लास्ट टाइम इसको बीस खपरा गया आप देख के, खुदा हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और बूटी के साथ। खुदा हाफिज़।